ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इस खिलाड़ी का खोप जीत चुका है 9 प्लेयर ऑफ द सीरीज। ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के दौर पर आने के बाद संकट में है। टीम ने 2004 के बाद भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इस बार भी उसके सामने बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया टीम 9 फरवरी से टीम इंडिया की चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रहा है। पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम पिछले कुछ समय से खासतौर पर टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन टीम इंडिया के सामने इस जीत के सिलसिले को जारी रखना उसके लिए आसान नहीं होगा। टीम इंडिया भारत में अपनी स्पिन की धार के लिए जानी जाती है। यह बात ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वे कोशिश कर रहे हैं कि स्पिन की चुनौती का पार कैसे करें। ऑस्ट्रेलिया टीम ने क्या तरीका अपनाने की सोची है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि रविचंद्रन अश्विन ने अब तक 20 टेस्ट सीरीज भारत में खेली है। इसमें से 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। हालांकि अब तक उनके करियर की बात करें तो अश्विन ने 88 मैच खेले हैं और उसमें से 9 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं। भारत की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में नंबर 4 पर हैं। सबसे पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर है, जिनके नाम 14 बार ये रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ है, जिनके नाम 11 बार ये रिकॉर्ड है। तीसरे नंबर पर अनिल कुंबले हैं, जो 10 बार ये पुरस्कार जीत चुके हैं। वहीं अश्विन 9 बार। इस बार फिर से अश्विन की कोशिश होगी कि अच्छा प्रदर्शन कर विरोधी टीम को चारों खाने चित करें। रविचंद्रन अश्विन के खोप में सबसे ज्यादा स्टीव स्मिथ हैं। अश्विन और स्टीव स्मिथ का आमना सामना अब तक 17 पारियों में हुआ है। इसमें स्टीव स्मिथ 412 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और 6 बार अश्विन ने उन्हें आउट कर पवेलियन की राह दिखाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें।